सभी को जय मसीह की। समय कम है और दिन बुरे आने वाले हैं मेरे प्रियजनों। मसीह विरोधी आने वाला है, मसीह विरोधी आने वाला है। आप देख ही रहे हो, हर जगह मंदिर बंद है, मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। समय कम है, दिन बुरे आने वाले हैं। समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं मेरे प्रियजनों। वो आ रहा है, मसीह विरोधी आने वाला है। मसीह विरोधी आएगा। अब वो समय नहीं रहा मेरे प्रियजनों कि हम अपना समय व्यर्थ बातों में गवाएं, व्यर्थ चीजों में गवाएं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गवाएं, गलत कामों में गवाएं। हमें किसी पास्टर के ऊपर, प्रचारक के पीछे मत भागो। मैं फिर से बता रहा हूँ, अरे मसीह विरोधी आने वाला है, जान निकाल लेगा। वो अपनी पूजा करवाएगा, अपनी आराधना करवाएगा। अभी वक्त है, वरना ये सब अचानक होगा। अचानक आएगा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करने लगेगा उस समय। अरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 22 अध्याय में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। आगे लिखा 11 वचन में, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे प्रियजनों, बाइबल साफ बता रही, अब वो समय नहीं रहा है। जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मलिन है मलिन ही बना रहे, क्योंकि आपका प्रतिफल परमेश्वर के पास है। हमें पवित्र बने रहना है, धर्मी बने रहना है। यीशु मसीह भी शीघ्र आने वाले हैं, यीशु मसीह भी आने वाला है, अचानक आने वाला है मेरे प्रियजनों, अचानक आने वाला है। मसीह विरोधी के दिन में उस समय लोग एक दूसरे का हाथ काटेंगे, गला काटेंगे, किसी की गर्दन काटी जाएगी, किसी का हाथ काटा जाएगा, कि उस समय इतना हाहाकार मचा होगा। भाई भाई को मारेगा, पिता पुत्र को मारेगा, माता पिता, लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ऐसा समय आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ, अभी सुधर जाओ और अपने पिता के पास आ जाओ, उसके वचन पर चलो। मसीह विरोधी आने वाला है। सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, आत्माओं को परखो। बाइबल बताती, अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, आप उनके पीछे मत जाना। प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा था, सावधान रहना, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मनुष्य तुम्हें भरमाने ना पाए, तुम्हें पाप में गिराने ना पाए। तुम इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है 9 अध्याय में, तू कहे यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों की लौटे ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद के ऊपर और पुलिया काटने के पीछे पड़ी रहती हैं, और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। ऐसा समय आने वाला है मसीह विरोधी के दिन में, जब मसीह विरोधी आएगा तब शांति उठा ली जाएगी, शांति नहीं रहेगी। उस समय इस पृथ्वी पर लाशें खाद की तलाश पड़ी रहेंगी, लाशें हिलासे पड़ी रहेंगी। जिस प्रकार से खेत में धान की फसल जब काटी जाती है, पड़ी रहती है, बालियां टूट गिरती है, उसी प्रकार से लाशें बिछाई पड़ी रहेंगी, लाशें हिलासे पड़ी रहेंगी। उस समय इतना हाहाकार मचा होगा उस समय। आगे लिखा यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय के 1 वचन से हम पढ़ देते हैं 4 वचन तक, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में जन्माए और जो माताएं जो पिता उन्हें इस दिन में लाए, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको कोई मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, उनकी लोते आकाश के पक्षियों और मैदान का आहार होंगी। यदि आप शादी करने के लिए सोच रहे हो, यदि आपके बच्चे हो गए, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, तो मसीह विरोधी के दिन में आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा।
ऐसा ही होगा, अरे गर्दन काटी जाएगी, किसी का हाथ काटा जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। उस समय कोई किसी के ऊपर तरस नहीं खाएगा, कोई किसी के ऊपर रहम नहीं खाएगा। ऐसा हाल, ऐसा समय मसीह विरोधी के दिन में आने वाला है, मसीह विरोधी के दिन में आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ, मन फिरा लो, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं, दिन भयानक आने वाले हैं मेरे प्रियजनों। अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है, अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ, वरना महंगा पड़ सकता है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। जितने लोग भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, अभी समय है, वक्त है, मसीह विरोधी आने वाला है, उस समय अपनी मूर्ति बनवाएगा। जैसा मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। जब मसीह विरोधी आएगा तो यहाँ पे बाइबल बताती है साफ साफ 13:15-16 वचन में, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। उस पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस मूरत की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डाले, और उन छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर उनके माथे पर एक छाप करा दी गई। मसीह विरोधी अपनी मूरत बनवाएगा, एक पशु की मूरत बनवाई जाएगी, वो मूरत बोलेगी, उसमें मसीह विरोधी प्राण डालेगा, और वो मूरत बोलेगी। जितने लोग उसकी पूजा या आराधना नहीं करेंगे, वो मसीह विरोधी सबको मरवा डालेगा, उनकी गर्दन कटवा देगा, उनका हाथ कटवा देगा, जान से मरवा देगा, यदि कोई उसके आगे सिर नहीं झुकाएगा, पूजा नहीं करेगा। ऐसा हाल मसीह विरोधी करने वाला है, आने वाला है। झूठा भविष्यवक्ता बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं, अंत करीब आ चुका है, समय कम है और दिन बुरे हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं, बचा लो अपने आप को मेरे प्रियजनों। आगे लिखा है, 20:10 में, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जो शैतान, जो दुष्ट आत्मा है, जो पास्टर प्रचारक, जो झूठे नबी भविष्यवक्ता है, उन सब को न्याय करके परमेश्वर नरक में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, मेरे प्रियजनों। ऐसा भारी दंड देगा परमेश्वर। आगे लिखा 16:8-9 में, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पे उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है, उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। ऐसा समय आएगा जो यहाँ पर रह जाएंगे मसीह विरोधी के दिन में, अरे परमेश्वर तो उनको जिंदा जलाएगा, इस सूरज की किरणों से, सूरज की किरणें हार्ड कर देगा, उसकी किरणें आग फेंकेंगी, आग की मनुष्य की चमड़ियां झुलस जाएंगी। 3.5 साल मसीह विरोधी अपना राज्य स्थापित करेगा, शांति 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 करके मसीह विरोधी अपना राज्य स्थापित करेगा, बोलेगा जो जाना चाहते थे वो चले गए हैं, अब मैं तुम्हें शांति दूंगा, अब मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा। शांति शांति करके वो मसीह विरोधी 3.5 साल अपना राज्य स्थापित करेगा, और आगे 3.5 साल आने वाले टाइम में वो युद्ध करेगा। उस समय युद्ध होगा, तब वो अपना असली रूप दिखाएगा लोगों को, तब वो पूजा करवाएगा, अपनी मूरत बनवाएगा, और जो लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे उसको मरवा देगा, जान से मरवा देगा। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, तौबा करो पापों से, यीशु मसीह पे विश्वास कर लो। ये कोई कहानी या मन ग्रंथ कहानियां मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है, खासकर मसीही लोग सावधान हो जाएं और मन फिराएं, और मसीह विरोधी से सावधान रहे, वो आने वाला है, समय कम है और दिन बुरे आ चुके हैं। सावधान रहो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर करें, ताकि वो सच्चाई पर चलें और वचनों पर चलें। आमीन।